प्रदेश में सरकार के तमाम सख्त रूल के बावजूद भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी अपनी करतूतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसा ही मामला आजमगढ़ में सामने आया। यहाँ पटल सहायक बाबू का घूस मांगने का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यालय में तैनात पटल सहायक बाबू एक एजुकेशन सोसाइटी के नवीनीकरण के लिए 50,000 रुपए की घूस मांग रहे हैं। हाँ वो है तो बात कर लें उनसे। हाँ वही कुलदीप जी से। ठीक 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 सलाम। ठीक है ठीक। ये अरे उसने हाजी इफ्तार वाला जो खटुआ हम दिए थे मुबारकपुर एजुकेशनल सोसाइटी वाला उस दिन फोटो नहीं दिए थे, उसमें नोटिस हुई थी हाजी इफ्तार मुबारक को 82-13। हाँ हाँ मुबारकपुर एजुकेशनल कितना देना क्या बताए थे मौलाना जी? वो तो कह रहे हैं 20,000 देना। 20 चाहिए ही चाहिए तो कुछ कम नहीं होगा? नहीं उससे कम होने वाला ही नहीं। उससे कम हम अधिकारी से खुद ही बात कर लिए। अगर मौलाना जी की बात ना होती सीधे सीधे डॉक्टर साहब का काम होता तो इससे कम नीचे कोई बात नहीं करता। अच्छा पहले उनको हर चीज हाँ हर चीज बता चुके हैं। अच्छा क्योंकि इन सबका एक वही बना ही है रेशियो 20,000 नहीं 50,000 हाँ 25 उनका हमारे पास है 25 में छोड़वाया हूँ साहब से कहके 20 का उनका बचा। तो ये कारण कि जैसे एक ही बार में 20 देते तभी एक ही बार में तभी नहीं जैसे ये कि काम होता रहे हम देते रहे। काम करना ही है क्या है आपको पहले दिन आप जाइए। जानकारी के मुताबिक सोसाइटी का सदस्य आमिर फहीम कई दिनों से कार्यालय के चक्कर काट रहा था। आमिर से फाइल आगे बढ़ाने के लिए मोटी रकम की मांग की जा रही थी। हताश हुए आमिर ने सहायक बाबू का मोबाइल में वीडियो बना दिया। बता दें कि आमिर सोसाइटी के नवीनीकरण के लिए पहले 25,000 रुपए दे चुका है। इसके बावजूद उससे 20,000 रुपए की मांग की जा रही थी। वहीं सहायक निबंधन राजीव ने कहा कि इस मामले में जांच की जा रही है और आरोपी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। ये भी संज्ञान में आया है और अभी मुझे कमिश्नर मैडम ने भी उस संबंध में बुलाया है। कमिश्नर मैडम की ओर से भी निर्देश उसमें आ रहा है, वहाँ भी शिकायत की गई है। अपने स्तर से मैंने अभी स्पष्टीकरण जारी किया है, जारी कर रहा हूँ उनके लिए और देखता हूँ कि उस पत्रावली के संबंध में भी उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा और साथ ही ये जो वीडियो हुआ है उसके बारे में भी अपना स्पष्टीकरण देंगे। उसके पश्चात उनके ऊपर जो भी कार्रवाई नियम संगत होगी वो की जाएगी निश्चित रूप से। जी ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। उसके विषय में भी उनसे स्पष्टीकरण लिया जाएगा, वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। जो कुछ भी बातें कही गई हैं उसमें अभी हमने जो है उससे उस पूछा है उसके विषय में भी वो बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। और मैं पत्रावली पे भी स्पष्टीकरण ले रहा हूँ कि पत्रावली में क्या मैटर था। पत्रावली में अगर कुछ था तो नवीनीकरण अगर विलम्ब किया गया है तो क्यों विलम्ब किया गया है या क्या प्रकरण था। जब उनका स्पष्टीकरण आ जाएगा उसके संदर्भ में जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी निश्चित रूप से। वहीं दूसरी तरफ अमरोहा में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि दरोगा मारपीट के एक मामले में FIR दर्ज कराने के लिए 5,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पहले तो शिकायतकर्ता ने दरोगा को समझाने का प्रयास किया लेकिन जब बात नहीं बनी तब उसने एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को दरोगा की शिकायत की, जिसके बाद मौके पर पहुंची एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों दबोच लिया। साथ और हम मेरी वाइफ के साथ मारपीट की थी गांव के मन्ना और मन्ना ने आधे लोगों ने 4 लोगों ने और मेरी वाइफ के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया था तो मेरे साथ भी मारपीट की थी उन लोगों ने, जिसका मुकदमा रियाद थाने में लिखाया था। दक्ष है की घटना है, दक्ष है 2019 की। और उसके बाद जो है दरोगा जी मुझसे कई दिनों से बार बार ये कह रहे थे कि आपका मुलजिम पक्ष हमें 15,000 रुपये दे रहा है, हम आपका मुकदमा खारिज कर देंगे, FIR लगा के ख़त्म कर देंगे, वरना आपका मैं थोड़े पैसों में ही काम कर दूँगा, आप 5,000 रुपये दे दो और मैं चार्जशीट लगा दूँगा। मैं पैसे नहीं देना चाहता था रिश्वत के, इसलिए मैंने मना भी किया कई बार लेकिन वो नहीं माने। तो इसके बाद मैंने अधिकारियों से शिकायत की एंटी करप्शन के, उन्होंने इनको आज अमरोहा से 12/9/2019 को शिकायतकर्ता श्री कयूम अली निवासी रजतपुर जिला अमरोहा ने मुरादाबाद भ्रष्टाचार निवारण संगठन कार्यालय में जाकर एक प्रार्थना पत्र दिया था कि उसकी पत्नी ने मुकदमा पास संख्या 170/2019 धारा 323, 504, 506 IBC थाना अमरोहा देहात
का अभियोग पंजीकृत थाना अमरोहा देहात में कराया था, जिसकी विवेचना संप्रति श्री नन्हे बाबू दरोगा जी द्वारा की जा रही थी। इस मुकदमे में उनके द्वारा चार्जशीट लगाने के लिए और FIR न लगाने के लिए, मुकदमे को ख़त्म न करने के लिए 5,000 रुपये की रिश्वत मांग की गई थी, जिसकी मैंने गोपनीय रूप से जांच कराई। ये इनकी छवि जो है एक भ्रष्ट आदमी SIT पाते हुए आज दिनांक 13/9/2019 को शिकायतकर्ता से 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया है। अच्छा सर, गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? गिरफ्तारी राणा पेट्रोल पंप कस्बा अमरोहा के सामने से। तो सर, इनके पास से और क्या क्या सामान बरामद किया गया? इसके पास से जो है, जो इसका रिश्वत का पैसा था 5,000 रुपये, वो बरामद हुआ है। और इसकी जो इसका जो जामा तलाशी है उससे कुछ 7,000 कितना है 7,130 रुपये है, 7,130 रुपये और मोबाइल है। फिलहाल टीम ने दरोगा को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। टीम ने दरोगा की जेब से घूस की नकदी भी बरामद कर ली है। टीम की ओर से आरोपी दरोगा के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। पंजाब केसरी TV के लिए आजमगढ़ से पितेश्वर कुमार और अमरोहा से नदीम अहमद की रिपोर्ट।